Hello dear friends, welcome and very good afternoon to one and all. I am Dr. Sufyan Ahmed, HOD of Pharmacognosy. आज की इस लेक्चर में हम डिटेक्टर्स यूज्ड इन रेडियो ट्रेसर टेक्निक फॉर द बायोजेनेटिक स्टडीज के बारे में बात करेंगे, यानी कौन कौन से डिटेक्टर्स यूज होते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ रेडियो लेबल्ड कंपाउंड के लिए. सो इसके पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि रेडियो ट्रेसर टेक्निक किसे कहते हैं. तो उसमें रेडियो ट्रेसर टेक्निक मीन्स विच यूटिलाइज द रेडियो एक्टिव लेबल्ड कंपाउंड to find out or trace various precursors and intermediate involved at different stage for the biosynthetic pathway at given rate and time. तो उसके लिए जो है specific time के अंदर जो उसको किया जाता, और radioactive level technique, radio tracer technique में कौन कौन सी steps involved होती है, जैसे कि कोई biological system हो गया. अगर हम plant की बात करें तो प्लांट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, डिफरेंट डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है और डिफरेंट सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं. उसको किस तरह से ट्रेस आउट किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है, मींस इस प्लांट के अंदर जो भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सिंथेसाइज्ड हो रहा है तो वो कौन कौन से प्रिकर्सर से हो रहे हैं, और इस प्रिकर्सर से क्या क्या इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं, और इस इंटरमीडिएट से फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा या फाइनली जो प्रोडक्ट बन रहा है उसी को ट्रेस आउट किया जाता है बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप्स इन ट्रेसर टेक्निक. इसमें हमने सब स्टेप्स को ऑलरेडी जो है वो क्या किया है, डिस्कस कर चुके हैं. तो जैसे कि हमने एग्जांपल दी थी एबीसी की, कि अगर कभी सपोज ए कंपाउंड के अंदर जो रेडियो एक्टिव लेबल्ड कंपाउंड है उसमें से जो है कार्बन या हाइड्रोजन के कुछ आइटम्स को निकाल करके उसको रेडियो लेबल्ड कंपाउंड्स के अंदर उसको रिप्लेस करके रेडियो आइसोटोप्स उसके अंदर मिला देंगे तो उससे जो सिंथेसिस होगा, जो ये दैट इज द प्री एज्यूम प्रिकर्सर्स हो गया, तो उससे जो भी इंटरमीडिएट्स बनेंगे, अगर सपोज अगर बी उससे बन रहा है, बी के अंदर अगर कभी जो है प्रेजेंट है तो उसका मतलब वो ए से बना हुआ है, और उसी तरह सी से और उसी तरह से डी के अंदर भी वो क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे. तो हम इस तरह से उसको जो है पता लगा सकते हैं और डिटरमाइन कर सकते हैं. तो पिछली स्टेप, तो पहले स्टेप्स में हम प्लांट को क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप्स में हम सिलेक्ट करते हैं रेडियो आइसोटोप्स को, यानी C14 कार्बन 14 मेनली और ट्राइटियम को यूज किया जाता है एज अ रेडियो आइसोटोप्स. और फिर इसमें प्री अज्यूम्ड प्रिकर्सर्स जो होता है यूज होता है, यानी कोई भी बायोसिंथेटिक पाथवे की स्टडी करनी है तो प्री अज्यूम्ड प्रिकर्सर्स को एक या एक से ज्यादा एटम को रिप्लेस करके इसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप यानी रेडियो लेबल्ड कंपाउंड को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है. तो फिर वो कंपाउंड या प्रिकर्सर्स क्या कहलाएगा, वो रेडियो एक्टिव प्रिकर्सर्स कहलाएगा. और उसके बाद उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, प्रिपेयर कर लिए, सबसे पहले सिलेक्ट किए, प्रिपेयर करने के बाद उसको क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है. थर्ड स्टेप में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है और वो रेडियो लेबल कंपाउंड जिसको हमने इंट्रोड्यूस किया है फॉर द स्टडी ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवे, तो वो क्या होगा, तो वो रेडियो एक्टिव लेबल्ड कंपाउंड जो है वो बायोसिंथेटिक पाथवे में इन्वॉल्व होगा. तो वो प्रिकर्सर्स जो वो डिफरेंट डिफरेंट इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होगा और इससे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, और ये जो इंटरमीडिएट्स हैं इसको हम किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि इस डिफरेंट इंटरमीडिएट में प्री अज्यूम्ड प्रिकर्सर्स
में क्या प्रेजेंट है? रेडियो आइसोटोप्स, उसमें क्या प्रेजेंट है? प्री अज्यूम्ड प्रिकर्सर्स में क्या प्रेजेंट है? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, और यू कैन से रेडियो लेबल्ड कंपाउंड। तो इस इंटरमीडिएट में भी क्या प्रेजेंट होंगे? इस इंटरमीडिएट में भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यानी वो आइटम्स प्रेजेंट होंगे जिसको हमने रिप्लेस किया था, जिसको हमने क्या किया था, रिप्लेस किया था, वो रेडिएशन को क्या करेंगे, इमिट करेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि जो प्री अज्यूम्ड प्रिकर्सर्स लिया था, इस तरह से इसको ट्रेस कर सकते हैं। इसीलिए इस टेक्निक को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक। सो दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ट्रेसर टेक्निक्स। नाउ सी डिटेक्शन एंड ऐसे ऑफ रेडियो एक्टिव लेबल्ड कंपाउंड। तो आज का हमारा ये टॉपिक जो है डिटेक्शन एंड ऐसे ऑफ रेडियो एक्टिव लेबल्ड कंपाउंड, और यू कैन से डिटेक्टर्स यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ रेडियो लेबल्ड कंपाउंड। तो उसके अंदर जो है डिटेक्टर सिस्टम्स यूज्ड एनालाइज ऑफ द आइसोटोपिक कंटेंट इन दैट, उसमें सबसे पहला है गीगर मूलर काउंटर, गीगर मूलर काउंटर। सेकंड जो है लिक्विड सेंटिलेशन काउंटर, और थर्ड जो है ऑटो रेडियोग्राफी। तो ये तीन और भी जो है बहुत सारे जो है डिटेक्टर्स यूज होते हैं, लेकिन मोस्टली जो है ये तीनों डिटेक्टर्स जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के लिए, और इसमें जो है वो मेजरमेंट के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है वो ये तीनों जनरली यूज किया जाता है, मोस्टली जो है ये तीनों यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम जो है इसकी जो है वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो है क्या है, गीगर मूलर काउंटर। सो गीगर मूलर काउंटर आर यूज टू डिटेक्ट द रेडियो एक्टिव इमिशन। क्या करता है वो, रेडियो एक्टिव इमिशन को डिटेक्ट करता है। मोस्ट कॉमनली बीटा पार्टिकल्स एंड गैमा रेज। द काउंटर कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब फिल्ड विद अ इनर्ट गैस दैट बिकम कंडक्टिव ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इट इज इंपैक्ट बाय अ हाई एनर्जी पार्टिकल्स। व्हेन द गीगर मूलर काउंटर इज एक्सपोज टू आयोनाइजिंग रेडिएशन द पार्टिकल पेनिट्रेट द ट्यूब एंड कोलाइड विद द गैस रिलीजिंग मोर इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि गीगर मूलर काउंटर किसे कहते हैं। गीगर मूलर काउंटर के बारे में जानते हैं कि गीगर मूलर काउंटर जो है जो भी प्लांट के अंदर से जो भी मेटाबोलाइट्स को आइसोलेट करते हैं, इसमें रेडियो आइसोटोप्स को डिटरमाइन करना है, रेडियो आइसोटोप्स को डिटरमाइन करता है, रेडियो आइसोटोप्स को डिटेक्ट करता है। तो क्या 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 किया जाता है, इस प्लांट के जो आइसोलेटेड या तो केमिकल्स या तो जो सैंपल्स होते हैं, इन सैंपल्स को लेते हैं, उस सैंपल्स को क्या करते हैं, लेते हैं, और उसको हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं बाय दिस गीगर मूलर काउंटर। तो क्या किया जाता है, ये जो गीगर मूलर काउंटर है सभी टाइप्स के रेडिएशन, ये जो है सभी टाइप्स को क्या करते हैं, रेडिएशंस जैसे अल्फा बीटा गैमा रेडिएशन, इन सभी के लिए यूज किया जाता है। तो हम जो है मोस्टली यूज करते हैं कार्बन 14, और ये जो कार्बन 14 है वो बीटा रेडिएशंस को क्या करता है, इमिट करता है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि कार्बन 14 जो है वो बीटा रेडिएशन को इमिट करता है, और इसी रेडिएशंस को मेजर करने के लिए गीगर मूलर काउंटर का यूज करते हैं। तो ये गीगर मूलर किस तरह से रेडियो एक्टिविटी को काउंट करता है, नाउ सी एक इसके अंदर जो क्या है, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है, आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, यहां पर एक जो है ये क्या है, व्हाट इज इट,
ये एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होता है और इस सिलेंड्रिकल ट्यूब में क्या है, गैस भरी हुई होती है, गैस भरी हुई होती है। जनरली इसमें हीलियम या आर्गन गैस भरी हुई होती है। इस यहां पर एक विंडो होती है और इसमें यहां पर एक विंडो होती है। ये एक सिलेंड्रिकल ट्यूब, उसके अंदर जो क्या है हीलियम या तो फिर जो है आर्गन गैस, जो है आर्गन गैस जो यहां पर भरी हुई होती है और यहां पर जो एक क्या रहती है, एक विंडो है। एंड दिस इज द कंप्लीट सेटअप ऑफ द गीगर मूलर काउंटर। तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर जो है अल्फा बीटा गैमा रेडिएशन, मतलब जो भी रेडियो एक्टिव सैंपल्स हैं या फिर जो मेटाबोलाइट्स आइसोलेट किए हैं या फिर कोई रेडियो सैंपल, रेडियो एक्टिव सैंपल जिसमें क्या है रेडियो कंपाउंड, रेडियो एक्टिव कंपाउंड है जिसमें रेडियो आइसोटोप लेबल्ड है, तो वो मेटाबोलाइट्स में अगर रेडियो आइसोटोप्स क्या है, रेडियो आइसोटोप्स हैं, तो वो क्या होंगे, अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस को क्या करेंगे, वो रेडिएशंस को इमिट करेंगे। अगर हमारे जो है सैंपल्स के अंदर अगर कभी या रेडियो आइसोटोप्स या मेटाबोलाइट्स के अंदर अगर कभी जो है वो क्या है, रेडियो आइसोटोप्स अगर कभी प्रेजेंट है उसके अंदर, तो क्या करेंगे वो रेडिएशंस को, अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस को क्या करेंगे, इमिट करेंगे। तो जब ये रेडिएशन इमिट होती है तो क्या करते हैं, इस ट्यूब को, ये ट्यूब जो है, इस ट्यूब को जो के गैस फिल्ड होती है, इसको आयोनाइज करते हैं, इसको क्या करते हैं, आयोनाइज करते हैं। और ये जो सिलेंडर है इसमें ब्लू कलर जो आपको दिख रहा है, ये ब्लू कलर जो है, ओके, ये ब्लू कलर है वो आर्गन गैस है। यहां पर जो है वो क्या है, ये आर्गन गैस है। इसमें निगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। इसमें यहां पर निगेटिव, ये जो है आपका निगेटिव इलेक्ट्रोड और ये जो है आपका ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इसमें क्या हुआ है, लगे हुए थे। और इससे हाई वोल्टेज, यहां पर देख सकते हैं आप डायग्राम में, हाई वोल्टेज सोर्स उससे क्या होता है, अटैच होता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। तो यहां पर जो भी सिलेंड्रिकल ट्यूब है इसकी बॉडी मेटेलिक सिलेंडर से बनी होती है, ये जो बॉडी है ये मेटेलिक सिलेंडर से बनी हुई होती है। इसमें कैथोड यानी जो है निगेटिव चार्ज होता है और एक पॉजिटिव चार्ज यानी एनोड होता है। इसमें हाई वोल्टेज सोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे जनरेट करते हैं। तो ये जो सैंपल यानी रेडियो लेबल्ड कंपाउंड जो है, ये सैंपल्स यानी रेडियो लेबल्ड कंपाउंड्स जो है, कंपाउंड से जो रेडिएशन इमिट होती है, इससे जो है क्या होती है, जो भी रेडिएशन इमिट होती है तो वो रेडिएशन की एनर्जी ट्रांसफर होती है। रेडिएशन की एनर्जी क्या होती है, वो ट्रांसफर होती है। तो कोलाइड करने के बाद ट्रांसफर होती है तो वो आर्गन गैस मॉलिक्यूल से क्या होती है, कोलाइड होती है। जब जो है रेडिएशन यहां पर जो है, यहां से रेडिएशन इमिट होंगी तो रेडिएशन जो इमिट होंगी वो आर्गन गैस मॉलिक्यूल से क्या होंगी, कोलाइड होता है। तो कोलाइड हो करने के बाद क्या होगा, इस आर्गन गैस से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होंगे, इमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट होते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गन पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है। ऑर्गन जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है। मतलब कि ये जो रेडिएशन है, ये रेडिएशन गैस को आयोनाइज करते हैं, ये रेडिएशन क्या करते हैं, गैस को आयोनाइज करते हैं, यानी इसको आयन्स में क्या करते हैं, वो कन्वर्ट करता है। आर्गन गैस का जो आयन है वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, यानी पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ यानी निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। आर यू गेटिंग, पॉजिटिव आयन, जो पॉजिटिव आयन्स रहेंगे वो कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड क्या है, वो निगेटिव इलेक्ट्रोड है, उसकी तरफ जाएगा, मूव होगा। और जो निगेटिव आयन्स है, निगेटिव आयन्स जो है वो किसकी तरफ मूव होंगे, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ क्या होंगे, मूव होंगे, ट्रैवल होंगे।
और इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट होता है, इस मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट होता है। और इसका सिग्नल कहां पर जाता है, ये जाता है एम्पलीफायर में, ये यहां पर इसका सिग्नल जो है किस में जाता है, यहां पर अटैच इस तरह से, तो यहां पर ये एम्पलीफायर में जाता है, एम्पलीफायर एंड काउंटर के अंदर, काउंटर की तरफ जाता है और ये सिग्नल को काउंट करता है। जो भी सिग्नल्स मिलते हैं पॉजिटिव की तरफ या निगेटिव आयंस की तरफ, जो कैथोड की तरफ जाता है, तो एम्पलीफायर की तरफ जाता है और उसको जो है वो क्या करता है, काउंट करता है, ये सिग्नल को काउंट करता है। तो इस तरह से गीगर मूलर जो है वो किसी भी रेडियो आइसोटोप्स या रेडियो लेबल्ड कंपाउंड जो के सैंपल में प्रेजेंट होते हैं उसको काउंट करने के लिए यूज करते हैं। सो यहां पर लिखा है कि पॉजिटिव आयन एग्जिट द ट्यूब एंड निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स बिकम अट्रैक्टेड टू द हाई वोल्टेज मिडल वायर व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट बिल्ट अप अराउंड द वायर रीचेस द थ्रेशोल्ड इट क्रिएट एन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट उसमें जो है वो जनरेट होगा। दिस काउज द टेम्पररी क्लोजिंग ऑफ द स्विच एंड जनरेट द इलेक्ट्रिक पल्स, उससे जो क्या होगा इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट होंगे एंड दैट इज रजिस्टर्ड ऑन द मीटर आइदर द कॉन्टिन्यूअसली एज अ क्लिक दैट इंक्रीज द इन इंटेंसिटी एज द आयोनाइजिंग रेडिएशन इंक्रीज विजुअली एज द मोशन ऑफ द नीडल पॉइंटर। सो ये हो गया गीगर मूलर काउंटर के बारे में। नाउ सी नेक्स्ट लिक्विड सेंटिलेशन काउंटर। बेसिकली द लिक्विड सेंटिलेशन प्रोसेस इज द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी ऑफ रेडियो एक्टिव डीके इवेंट इनटू फोटॉन्स ऑफ लाइट इन लिक्विड। तो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, लाइट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है यहां पर लिक्विड से जो है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। एंड फोटो मल्टीप्लायर्स ट्यूब डिटेक्ट द इमिशन ऑफ लाइट एंड कन्वर्ट द लाइट पल्स इनटू द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स एंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट पल्स द नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड, उसमें क्या है नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है इमिटेड इज प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ द रेडियो एक्टिव डीके इवेंट। फर्दर द साइज height of the electric pulse is proportional to the intensity of the light and accordingly also proportional to energy of decay event. So generally liquid scintillation counter ko use kiya jata hai. To liquid scintillation counter kya hota hai, kya hota hai liquid scintillation counter, kya hota hai scintillation yani luminescence, सेंटिलेशन मीन्स ल्यूमिनेशंस, यानी अगर कोई सब्सटेंस लाइट इमिट करता है, कोई सब्सटेंस जो है वो क्या कर रहा है लाइट इमिट करता है, मतलब फ्लोरेसेंस इमिट करता है कंटिन्यूअसली, तो इस प्रोसेस को सेंटिलेशन कहा जाता है, इस प्रोसेस को सेंटिलेशन कहा जाता है। तो कोई भी सब्सटेंस लाइट इमिट करता है विदाउट एनी सोर्स, यानी कोई भी सब्सटेंस जो है वो लाइट इमिट कर रहा है विदाउट एनी सोर्स, तो इस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं सेंटिलेटर कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको सेंटिलेटर बोलते हैं। तो इस सेंटिलेशन काउंटर का यूज किया जाता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ रेडियो लेबल्ड कंपाउंड के लिए। इस प्रोसेस में सेंटिलेटर यूज किए जाते हैं जैसे कि जिंक सल्फाइड और सोडियम आयोडाइड, जिंक सल्फाइड और सोडियम आयोडाइड जो है वो जनरली यूज किया जाता है एज आर यूज्ड एज अ सेंटिलेटर। तो ये किस तरह से काम करता है, नाउ सी द इलेक्ट्रिक पल्स कैन बी हैंडल्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम विच मेजर इट्स हाइट एंड स्टोर इवन द इंटेंसिटी एनर्जी एरे, इट ऑल्सो कॉल्ड मल्टी चैनल एनालाइजर। Thus, and the energy spectrum can be recorded of the decaying radio nuclide. In this way, the liquid scintillation counting is detection technique for the radio activity
तो इसमें सैंपल को लेते हैं, इसमें क्या करते हैं सैंपल को लेते हैं, इसमें क्या करते हैं सैंपल को ले लेते हैं। सैंपल को लेने के बाद जिसकी हमें रेडियो एक्टिविटी चेक करनी होती है, सैंपल को लेते हैं जिसकी हमें रेडियो एक्टिविटी क्या करनी है, चेक करनी होती है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें लिक्विड सेंटीलेटर को सैंपल के साथ डिजोल्व कर दिया जाता है। यहां पर जैसे लिखा है रेडियो सब्सटेंस इज इंटीमेटली मिक्स विद दी डिटेक्टर्स विच इज लिक्विड सेंटीलेटर कॉकटेल। तो उसको क्या करते हैं, लिक्विड सेंटीलेटर को सैंपल के साथ डिजोल्व किया जाता है और उस सैंपल को इसमें डाल देते हैं, सैंपल को उसके अंदर डाल दिया जाता है। यहां पर जो है आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहां पर जो है सैंपल और सेंटीलेटर दोनों मिक्स करके उसके अंदर डाल दिया जाता है। ये सेंटीलेटर काम कैसे करते हैं, तो ये जो रेडियो एक्टिव सैंपल्स हैं इसके अंदर जो क्या है, रेडियो एक्टिव सैंपल्स जो है यानी जो भी हमने मेटाबोलाइट्स ऐड किया हुआ है, इसमें जो भी मेटाबोलाइट्स क्या किया हुआ है ऐड किया हुआ है, तो वो सैंपल में अगर रेडियो आइसोटोप्स होगा, अगर सैंपल्स में रेडियो आइसोटोप्स होगा तो वो क्या करेगा, तो इस रेडियो आइसोटोप से रेडिएशंस क्या होंगे, इमिट होंगे। अगर ये मेटाबोलाइट्स हमने मेटाबोलाइट्स ऐड किया हुआ है तो सैंपल में रेडियो आइसोटोप्स अगर रहे तो क्या करेगा, वो रेडियो आइसोटोप्स क्या करेगा, ये रेडियो आइसोटोप्स क्या करेगा, वो रेडिएशंस को इमिट करेगा। और ये जनरली जो है बीटा रेडिएशन यूज किया जाता है, जैसे कि C13 यानी कार्बन 13 और ट्रिटियम हो गया, ये बीटा पार्टिकल्स रेडिएशन को इमिट करते हैं। तो इसकी एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करता है, इसकी एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करता है, ये एब्जॉर्ब होते हैं जिसमें हमने डिटेक्टर में डाला है, जिसको हमने डिटेक्टर में डाला है यानी सैंपल और लिक्विड सेंटीलेटर का सॉल्यूशन हमने बनाया तो उसको सैंपल होल्डर में डाल दिए, है ना। इसका जो है सॉल्यूशन बनाया और सॉल्यूशन बनाने के बाद उसको सैंपल होल्डर के अंदर उसके अंदर डाल दिया जाता है। जब रेडियो आइसोटोप्स रेडिएशन इमिट करता है, जब ये रेडिएशन इमिट करता है तो वो एनर्जी को सेंटीलेटर एब्जॉर्ब करता है, वो एनर्जी को सेंटीलेटर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और सेंटीलेटर जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो एब्जॉर्ब करने के बाद वो री इमिट करता है, उसके बाद वो री इमिट करता है मतलब कि वापस से इस एनर्जी को रिलीज करता है। वापस से क्या करता है, ये यहां पर एनर्जी को क्या करता है, वो रिलीज करता है, इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट और फोटॉन, इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड फोटॉन। ये जब एनर्जी इमिट करेगा तो ये फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स, जब ये एनर्जी इमिट करता है, रेडिएशन इमिट करता है तो ये फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स, दोनों साइड्स आप देख सकते हैं, यहां पर फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स, यहां पर भी जो है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स, इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा, रेडिएशन इसके ऊपर क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, इससे क्या होंगे फिर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जनरेट होंगे। तो इससे लाइट एनर्जी से, इससे जो है ये लाइट एनर्जी, यहां पर लाइट एनर्जी से इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होंगे, लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होंगे। इसमें दोनों साइड जो है वो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब यूज किया जाता है क्योंकि रेडिएशंस जो भी डायरेक्शंस में इमिट हो रही है ना, रेडिएशंस क्योंकि जो है वो किसी भी डायरेक्शन में इमिट हो सकते हैं, तो दोनों साइड इसके लिए फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब को क्या करते हैं, वो लगाते हैं ताकि वो इसको इजीली क्या कर सके, काउंट कर सके। तो रेडिएशंस जब इमिट होता है तो ये रेडिएशंस किसमें जाता है, प्री एम्पलीफायर में जाता है, और दोनों प्री एम्पलीफायर, ये दोनों प्री एम्पलीफायर जो है का सिग्नल यहां पर कोइंसाइड होता है, इलेक्ट्रिक वोल्टेज अप्लाई कर दिए उससे जो रेडिएशन इमिट होंगे, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स उसको क्या करेंगे,
रेडिएशन को डिटेक्ट करेंगे और वो पहले जो है प्री एम्पलीफायर में, दोनों प्री एम्पलीफायर में जाएंगे और वो क्या होंगे, कोइंसिडेंस होगा, कोइंसाइड होंगे। तो उसके बाद फर्दर एम्पलीफायर में जाता है, उसके बाद जो फर्दर एम्पलीफायर में जाता है और उसके बाद जो है वो MCA में जाता है, यानी मल्टीपल चैनल एनालाइजर में जाता है। और इससे यानी कंप्यूटर की मदद से, यहाँ पर जो है कंप्यूटर की मदद से स्पेक्ट्रम उसकी जो है क्या कर ली जाती है, काउंट की जाती है। इस तरह से सेंटिलेशन काउंटर से रेडियो आइसोटोप्स को मेजर किया जाता है। नाउ सी, नेक्स्ट, रेडियो ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी इज अ बायो एनालिटिकल टेक्निक यूज टू विजुअलाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियो एक्टिव लेवल सब्सटेंस विथ रेडियो आइसोटोप्स इन द बायोलॉजिकल सैंपल। तो ये क्या है, इट इज अ ऑटो रेडियोग्राफी इज अ बायो एनालिटिकल टेक्निक यूज टू विजुअलाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियो एक्टिव लेबल्ड सब्सटेंस विथ रेडियो आइसोटोप्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम। इन दिस मेथड बाय विच रेडियो एक्टिव मटेरियल कैन बी लोकलाइज विद इन अ पर्टिकुलर टिश्यू सेल और सेल ऑर्गनल्स और इवन बायोमोलिक्यूल्स। It is very sensitive technique and being used in a wide variety of biological experiment. Autoradiography although used to locate the radioactive substance, it can also be used for the quantitative estimation by using the decentilometer. So radio autography kya hota hai, isse hum किसी भी रेडियो एक्टिव लेबल्ड सब्सटेंस, जैसा कि हमने आपको बताया था अभी कि ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर रेडियो आइसोटेप्स होते हैं, जो के तो जो हम प्लांट के अंदर जो इंटरमीडिएट, या हम बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक मेटाबोलाइट्स या फिर जो भी केमिकल कंपाउंड को आइसोलेट किए हैं, इसके अंदर अगर रेडियो आइसोटोप्स है तो, और उसको डिटेक्ट करना है तो कैसे किया जाता है, इस सैंपल में कहां पर रेडियो एक्टिव कंपाउंड है, कहां कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड और लोकेटेड है इस प्लांट में, हम इससे हम विजुअलाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग दी रेडियो ऑटोग्राफी से। हम उसको क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। इन द रेडियो ऑटोग्राफी विजुअलाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियो एक्टिव लेबल्ड सब्सटेंस इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम। नाउ सी, रेडियो ऑटोग्राफी इज बेस्ड अपॉन द एबिलिटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टू एक्सपोज द फोटोग्राफिक फिल्म बाय आयोनाइजिंग इट। ओके, सो अगर हम प्लांट की बात करें तो इसकी जो मॉर्फोलॉजिकल पार्ट में ये रेडियो लेबल्ड कंपाउंड है, यानी प्री अज्यूम्ड, क्या है, प्री अज्यूम्ड प्रीकर्सर्स लिया था और इससे जो मेटाबोलाइट्स बने हैं वो कहां कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लांट के अंदर, यानी कहां कहां पर ये लोकेटेड है प्लांट के स्पेसिफिक पार्ट में या फिर सेल में, इसको हम ट्रेस कर सकते हैं बाय यूजिंग दी रेडियो ऑटोग्राफी टेक्निक से। तो ये रेडियो ऑटोग्राफी, तो क्या किया जाता है, इसमें फोटोग्राफी इमिशन को यूज किया जाता है, जैसे कि सिल्वर ब्रोमाइड या तो फिर जो है, और हम जो सैंपल लेते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड यूज किया जाता है, हम जो भी सैंपल लेते हैं ये या तो कोई मॉर्फोलॉजिकल पार्ट होता है या प्लांट का कोई लीफ फ्लावर फ्रूट्स कोई भी पार्ट होता है, और इसमें रेडियो एक्टिव लेबल्ड को लोकेट किया जाता है, यानी
रेडियो एक्टिव लेवल्ड कहां पर प्रेजेंट है प्लांट में, उसको क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट किया जाता है। तो किस तरह से किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, इसमें सैंपल को फोटोग्राफी इमल्शन के साथ रख दिया जाता है। इसमें यहां पर जो है आप देख सकते हैं, इसमें फोटोग्राफी इमल्शन के साथ में सैंपल को रख दिया जाता है, यानी सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर हैलाइड के साथ इसमें उसको क्या कर सकते हैं, रख देते हैं। तो ये सैंपल में जो रेडियो एक्टिव लेवल्ड कंपाउंड है, ये सैंपल में जो है, ये आप जो रेड कलर के देख सकते हैं, दैट इज द रेडियो एक्टिव लेबल्ड कंपाउंड है, वो रेडिएशंस को क्या करेंगे, वो रेडिएशंस को इमिट करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये रेडियो एक्टिव लेबल्ड कंपाउंड है, वो रेडिएशंस को क्या करते हैं, वो इमिट करेगा। और रेडिएशन कहां पर स्ट्राइक होगा, यहां पर ये रेडिएशन जो है वो, ये रेडिएशंस जो है वो यहां पर स्ट्राइक होता है, होगा यहां पर जो ये फोटो फोटोसिंथेटिक फिल्म जो है पर स्ट्राइक होगा, यानी सिल्वर हाइलाइट जो है यहां पर के इमल्शन पर स्ट्राइक होगा, और ये सिल्वर जो है वो सिल्वर आइटम्स में कन्वर्ट होंगे, और कन्वर्ट होने के बाद हमें फोटो फिल्म में दिखाई देगा। यहां पर इस तरह से हमें जो है वो फिल्म वो कन्वर्ट होके ये ब्लैक स्पॉट जो वाइट स्टार्स जो दिख रहे उसमें कन्वर्ट होंगे, और उससे हमें, इससे हमें पता लग सकता है कि हमारे सैंपल में कहां कहां पर रेडियो आइसोटोप्स प्रेजेंट है, उसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग दी रेडियो ऑटोग्राफी। सो That is the methodology. Radio sample is converted to the photographic emulsion by the several described method. The radio active part of the sample activate the silver halide crystal nearby. The result in the reduction of Ag silver ion to silver atoms, leaving dark color bands. तो यहां पर जो डार्क कलर बैंड्स को क्या करते हैं वो, उसमें किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, यहां पर इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस साइड इज देन वॉश अवे एंड फिक्चर्स टू गेट इनसॉल्युबल सिल्वर एटम्स ओनली। सो द ऑटो रेडियोग्राम कैन बी फर्दर बी व्यूड इन द ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप, उसको जो है माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो lectures, and now please subscribe the channel, like and share, and press the bell like button. I will share the attendance link to you. So it is necessary to fill the attendance link. Now the session is concluded.